ये पंक्तियाँ एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो पढ़ा वही आया। ये पिछले साल भी जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था तो हमारे जो मेंटर थे या फिर हमारे जो टॉपर्स थे, हमने इंटरव्यू उनका लिया था, तो पूछने पर पता चला कई लोगों ने, जैसे मैं इंटरव्यू लिया था तो सजेस्ट किया कि सर का नोट्स ही पढ़ लीजिए, सर ने जो पढ़ाया वही पढ़ लीजिए। तो आप लोग इस बैच का भी यही कहना है। खैर, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। आज CUET PG की प्रवेश परीक्षा शुरू हो चुकी है, पहले फेज के पहले स्लॉट और पहले दिन की परीक्षा आज है। आज के बच्चों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि पेपर CUET PG का कैसा आ रहा है, क्योंकि CUET पहली बार किया गया है, पहली बार CUET हो रहा है। हमने CUET UG का आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग दिया। आज की इस वीडियो में हम CUET PG के पहले दिन की परीक्षा कैसी हो रही है, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और साथ ही साथ पेपर का पैटर्न क्या है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो 25 क्वेश्चंस जो पार्ट ए जोड़ा गया है उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बच्चों से जवाब लेंगे। आप देख सकते हैं हम सेंटर पर खड़े हैं और अभी उनके पेरेंट्स खड़े हैं हमारे आसपास, तो अभी बच्चे निकलने वाले हैं सेंटर से। तो जैसे ही बच्चे सेंटर से निकलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और वो जो पेपर का रिव्यू बताएंगे वो सारा रिव्यू आपको दिखेगा हमारे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे बताएंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUET BHU स्टडी कैपिटल आपको CUET PG की तैयारी भी कराता है और साथ ही साथ आपको हर एक इंफॉर्मेशन CUET से संबंधित देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। कि पार्ट ए का पेपर कैसा था? काफी इजी था, अगर बेसिक नॉलेज है तो पूरा कर सकते हैं आपके अनुसार। हाँ, बेसिक नॉलेज है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन जो थे, 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था या फिर परसेंटेज का था, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वर्बल रीजनिंग के, वो हर कोई नहीं देखता है तो वो छूट जाता है। भाई 6-8 बेसिक मैथ्स अगर की हुई है तो कर ले जाएंगे। तो पार्ट ए का ये हाल है। अब हम आपसे जवाब ये चाहेंगे कि CUET PG का जो पार्ट बी का पेपर है, तो जैसे पेपर का जो पैटर्न जो बनाया गया था, जैसे सिलेबस जो दिया गया था यूनिट वाइज, तो क्या पेपर में भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस थे, मतलब कि सारे यूनिट से लगभग बराबर क्वेश्चंस थे कि किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन हो जा रहा था? ऐसा कुछ यूनिट डिवाइड करके नहीं क्वेश्चन था, सबसे लगभग बराबर ही, सबसे बराबर क्वेश्चन, बट लिटरेरी थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और मूवमेंट्स जो ये सिलेबस में नया ऐड हुआ था इस साल, हाँ उससे भी नहीं थे, और लिटरेरी थ्योरीज तो नहीं थे, उसके बाद कुछ जो मूवमेंट्स थे वो मूवमेंट्स में उसमें। अच्छा, ये बताइए कि BHU और GNU, इन दोनों का जो पहला प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा था आप लोगों ने, उसकी तुलना में ये पेपर कैसा था? इजी था, इजी। BHU की तुलना में बताइए। इजी था। हाँ। और CUET जो पहले होता आ रहा था उसका पेपर आपने देखा था कभी? हाँ देखा था, उसके कंपैरिजन में लगभग बराबर था। हाँ, बराबर था। चलिए, अतुल सर भी आपसे कुछ सवाल चाहते हैं। लास्ट 2 सालों से जब NTA एग्जामिनेशन ले रहा था, तो जैसे BHU के पहले के आपने पेपर देखे होंगे, अभी देखे होंगे, काफ़ी एक चेंज हो रहा था, तो क्वेश्चन टाइप बदल रहा था, तो उस टाइप से इस बार के पेपर में और पिछले जो 2021 और 2020 का पेपर था उसमें क्या चेंजेस आपको दिखे? ये बेसिक चीज़। सर पहला चीज़ तो कि क्वेश्चन पेपर ईजी था, फैक्चुअल था, और जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमारी थी, लाइक लिटरेरी टर्म्स हो गए, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थे, बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। पहले के क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 2019 जैसा रहता था BHU का बेसिक, बहुत ट्रिक क्वेश्चंस नहीं थे कि बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। अगर आपने बेसिकली मतलब क्लासेस अटेंड किए हैं या फिर जो बेसिक सिलेबस है उसको एक बार कवर कर लिया, सफिशिएंट है। एक हफ्ते का रिवीजन ही है ना, मतलब अगर कुछ हाफ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे अगर एक हफ्ते का रिवीजन। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 58 करा है। आपने? 73। चलिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत अच्छा था सर, आज जिस लेवल का पढ़ाए थे उस लेवल का एक तो था ही नहीं, बहुत इजी था पेपर, आसान था। चलिए, तो सिंपली सर राइटर्स क्वेश्चन थे कि दिस वर्क बाय होम, दिस वर्क बाय होम, बस चलो तब तो बढ़िया। हां मतलब तैयारी जैसे हिसाब से था उस हिसाब से ठीक था, तो बहुत ही, मतलब पढ़ाने के हिसाब से काफ़ी आसान। सर के लेवल से तो फिर बहुत ईजी था, मतलब जिसने कहा जाए। अच्छा अच्छा, और पार्टी वाले का क्या हाल था? पार्टी सर कह सकते हैं मॉडरेट था, लेकिन पार्टी पार्ट बी तो कितने 25 क्वेश्चंस में क्या क्या था, कुछ सेक्शन बता सकेंगे? हाँ, मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन थे, फिर साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर हाल ही भी कौन बना, ये जीके से कितने क्वेश्चन थे? जीके से फिर 5-6 रीजनिंग, 2020 से रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन। हाँ, चलिए पैटर्न में जैसे लिटरेरी थ्योरी वगैरह ऐड हुआ था इस बार, तो कुछ थ्योरी का पार्ट आया? कुछ पूरा सिंपली वर्ड से लाइन थे या फिर वर्क से क्वेश्चन थे, मतलब जो बेसिक कंटेंट राइटर कॉन्सेप्ट का नाम, राइटर का नाम, जितना बेसिक थ्योरी में पढ़ना था उसी से, बस वही था सर। सिंपली आप कह सकते हैं कि BHU के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सबके क्वेश्चन थे मिक्स करके।
बाकी कुछ था नहीं सर। CUCT का जो पहले लेवल रहता था जो JNU के नाम से हाइप हो रहा था वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा? नहीं नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि सबसे जरूरी जो है, क्योंकि CUET PG पहली बार हुआ है ना, तो आप लोग भी पहली बार पढ़ रहे थे, डर तो रहा होगा एक मन में? डर था एक मन में। और जैसे अभी जो बाकी लोग पेपर देंगे बाकी सब्जेक्ट का, चूंकि इंग्लिश का पहला दिन का पेपर था, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आप क्या इन लोगों को बताना चाहेंगे? इंग्लिश के हिसाब से देखे तो क्वेश्चन तो फिर बहुत सही था, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट देखे तो। और सर कितना किए हैं टोटल आप? टोटल मैंने सर 81 अटेम्प्ट किया और लगभग सही सही? हाँ अप्रॉक्स। चलिए बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छा करें सर, मिलकर अच्छा लगा सर। आप तो कोर्स में भी थे ना? हाँ कोर्स में। ओके ज्योत्सना, ये बताओ कि सबसे पहला सवाल, अगर आप कोर्स में थे तो सर का पढ़ाया हुआ कितना हेल्प किया आपको? पूरा 100% मान लीजिए, पूरा ही हेल्प किया, पूरा हेल्प किया सर ने। जो जो पढ़ाया वो बहुत अच्छे से, मतलब पढ़ा भी और वो भी आया। अच्छा ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि जो पढ़ा वही आया, उससे अलग कोई आया ही नहीं। अच्छा, ये पिछले साल भी जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था तो हमारे जो मेंटर्स थे या फिर हमारे जो टॉपर्स थे, हमने इंटरव्यू उनका लिया था, तो पूछने पर पता चला कई लोगों ने, जैसे मैं इंटरव्यू लिया था तो सजेस्ट किया कि सर का नोट्स ही पढ़ लीजिए, सर ने जो पढ़ाया वही पढ़ लीजिए। तो आप लोग इस बैच का भी यही कहना है। खैर ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था, आसान था, मॉडरेट था या मॉडरेट था? वैसे कंपैरेटिवली इजी था। इजी था, हाँ। चलिए, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए आसान पेपर था, पूरा आसानी था। और क्या पार्टी के बारे में बताओ कि पार्टी चूंकि नया था बच्चों के लिए, कैसा आपने अटेम्प्ट किया? वो भी इजी था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स टाइप का नहीं होता है, क्योंकि जैसे 75 तो सर ने पढ़ा दिया था, लेकिन जो 25 का जो था वो पहले से जिसकी प्रैक्टिस नहीं रही होगी शायद थोड़ा सा कठिन हुआ होगा। हाँ थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि पर ग्रामर जो इंग्लिश ग्रामर था और रीजनिंग था वो भी इजी था, और GK GS भी थोड़ा इजी था, तो वो भी अच्छे से हुआ, पर पार्ट भी तो बस क्या कहना, सर ने इतना अच्छा से पढ़ा दिया। चलो ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब पेपर बहुत इजी था अगर देखा जाए, जिस तरीके से CUET के लिए मतलब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी कि उसका पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीजें आएंगी, क्योंकि JNU भी एडेड है और CUET का पेपर वैसे ही बहुत बेसिक टाइप का होता है, उस हिसाब से पेपर काफ़ी इजी आया था जिस हिसाब से होना चाहिए। लिटरी थ्योरी जैसी चीज़ें JNU के एग्जामिनेशन ऐड होने से, जैसे BHU में नहीं आती थी, यहाँ पे ऐड हुई थी, तो उसका लेवल किस तरीके? बहुत बहुत ईजी, बहुत माइनर, मतलब हम एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि अगर इस एग्जाम में कोई पढ़ के दे रहा है और जिसका अच्छा मार्क्स आ रहा है उसको JNU फ्री में मिलेगा, इस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि JNU के लायक का सिलेबस नहीं पूछा गया था, फेमिनिज्म से क्वेश्चंस नहीं थे, फेमिनिज्म से खाली एक क्वेश्चन था वॉलस्टोन क्राफ्ट वाला, बस बेसिक क्वेश्चन जो सब जानते हैं, मतलब वैसे कुछ नहीं था, मार्क्सिस्ट थ्योरी से कुछ नहीं था, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न से कुछ नहीं था। तो बेसिक मतलब जो पहले ही BHU की प्रिपरेशन जैसे लोग करते थे जिस तरीके का रहता था, और नई चीज़ें आने से जो लोगों के बीच में भ्रांतियाँ थी वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली, कॉम्प्रिहेंशन जैसा कुछ? कॉम्प्रिहेंशन एक भी नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन जैसा कोई भी चीज़ नहीं था, मतलब अगर आपने 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की है BHU का सोच के, हाँ, तो उसके हिसाब से आराम से पेपर ऐसा था कि खुश हो सकता है, आराम से हो सकता है, बस ये है कि पेपर इतना ईजी था कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा अटेम्प्ट करेगा। अच्छा अच्छा, कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा एग्जाम था, पार्ट वन और सर पार्ट वन भी ठीक ही ठाक था, मैथ्स मेरा थोड़ा लेवल कम था इस वजह से पार्ट टू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पार्ट बी तो बहुत ही इजी था सर। पार्ट बी में ठीक रहा, मॉडरेट लगेगा आपको पेपर या कैसा लगा सर? बहुत सिंपल पेपर था, मॉडरेट नहीं कह सकते उसको। अच्छा चलिए तब तो ठीक है। और बाकी कोई खबर कोई दूसरों को बताना चाहें, सजेशन पार्ट एक के लिए देना चाहें कि पार्ट एक के में कैसी प्रिपरेशन ज्यादा कुछ? आपका ऐप पे भी चल रहा था, यूट्यूब पे भी चल रहा था वीडियोस, उसको देखे आपने प्रिपरेशन की थी? यस सर, कुछ हेल्पफुल था, थोड़ा हेल्पफुल था, लेकिन पार्ट बी तो काफी अच्छा था, आपने बहुत अच्छा पार्ट बी पढ़ाया था सर। चलिए तब ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने सर? 80 क्वेश्चन। चलिए तब ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। पेपर का लेवल सबसे पहले बताइए, आसान था, मॉडरेट था या फिर कठिन था? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मैं अपना ओपिनियन रखूँ, तो पेपर हल्का था, हल्का ही था, मॉडरेट से नीचे ही था। अच्छा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे CUET में चूंकि JNU ऐड हुआ था ना, तो JNU के ऐड होने से ये बताया जाता कि पेपर का लेवल, चूंकि CUET का पेपर जो पहले होता था वो तो आसान था, लेकिन JNU की वजह से एक डर था, वो डर तो नहीं दिखा ना पेपर? BHU, हैदराबाद, IFLU, ये सब जो सारी यूनिवर्सिटी थी इसके शामिल होने से ऐसा लग रहा था कि कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस ना होकर फैक्चुअल बेसिस था। हाँ, मतलब जैसे अपने एप्लीकेशन में फंसाता है NTA, एप्लीकेशन में तो नहीं फंसाया ना किसी एप्लीकेशन जैसे क्वेश्चन को? नहीं वैसा कुछ नहीं। पार्ट ए का क्या हाल था, क्योंकि पार्ट ए नई चीज थी, BHU JNU ऐसे पार्ट ए नई चीज थी, तो जहाँ तक पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन आए, 4 या 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे और वो 10th लेवल के नीचे का था, 7th-8th लेवल का, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, टफ नहीं था, और इंग्लिश लेवल का जहाँ तक उस ग्रामर से क्वेश्चन आए थे और कुछ आए थे जहाँ आपको सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करना होता है ऑर्डर में, रीऑर्डर में, तो वो भी बढ़िया था। अच्छा, जंबल वगैरह आया था? जंबल नहीं था, जंबल अच्छा, जंबल नहीं था आपके पेपर सेक्शन में। और फिर ये मैच करना अच्छा, था। कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने?
मैंने करीब ओवल और 100 में 90 कर दिया। 90 किया, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कि आपका टारगेट क्या है, बीएचयू जेएनयू या फिर क्या? नहीं, शुरू में तो मेरा जेएनयू ही था। अच्छा, और मैंने इसके लिए पढ़ाई भी की तगड़ी। लेकिन ठीक है, बढ़िया है, जो अच्छा क्वेश्चन जिस तरीके से। चलिए चलिए, आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बच्चों को बता रहे हैं, आई होप कि आपके साथ बहुत ही आपका रिजल्ट भी अच्छा है और आप जो जेएनयू बीएचयू डीयू जो भी सपना हो आपका सपना पूरा। सर, अब बात करें सेक्शन ए की, हम लोग सेक्शन ए में तीन आपके जीके जीएस क्वेश्चन थे, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें स्लीपिंग पार्टनर था, वर्किंग पार्टनर था, दो जंबल वर्ड्स थे, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था दो क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल कैसा था पार्ट ए में? पार्ट ए में लेवल मीडियम ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप जैसे पढ़ाई कैसे किए थे, मतलब बुक वगैरह से किए थे, पार्ट ए वाला पढ़ाई कैसे कर रहे थे? नहीं, मैं यूट्यूब चैनल से ही पढ़ता था। अच्छा, यूट्यूब चैनल से ही पढ़े थे, तो उससे काम चल गया था आपका? हाँ, काम हो गया। और जो अतुल सर आपको पढ़ाए थे हमें इंग्लिश का, उसकी हाल बताइए। अतुल सर का पढ़ाया हुआ, अभी काफ़ी क्वेश्चन आया था उसमें से, 4-5 क्वेश्चन आया था। और जहाँ तक ये पढ़ा दिए थे वहाँ तक या फिर? नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया था, आधा ही क्लास की हो गई। उससे भी आपका काफ़ी क्वेश्चन? हाँ, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए मेरे। और भी सवाल सर, सही है थ्योरी वोरी का जो सबको प्रॉब्लम हो रहा था कि पहली बार सीयूईटी हो रहा है, लिटरेरी थ्योरी जैसी चीज़ें ऐड हुई हैं। क्वेश्चन सर आपका आया था हिंद स्वराज वाला, हिंद स्वराज बुक किसने लिखा है? तब ठीक है, तो मतलब दलित लिटरेचर वगैरह जो नई नई चीज़ें पढ़े थे जिनसे लग रहा था कि सीयूईटी में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी ऐड हुई थी, तो वैसा कुछ लगा या इतना मॉडरेट ठीक ठाक का एग्जाम आपको लगा देने में? नहीं, ठीक ठाक ही था सर, उतना हाई लेवल का नहीं था। चलिए तब ठीक है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने? सर मैंने तो 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक ठाक 78 किए, चलिए तब तो अच्छा है। और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आपने भरा था बीएचयू के साथ? बीएचयू, जेएनयू, और टारगेट तो यही दो, बाकी तो ऑल कर दिया था। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आशुतोष आपको। आप ये बताइए कि सबसे पहले अपना नाम बताइए ऑडियंस। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, मैं बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ। सूरज, देखिए बीएचयू के छात्र भी हैं। सूरज, ये बताइए कि टोटल 100 क्वेश्चन जो थे, सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट बी के क्वेश्चन का, ओवरऑल लेवल क्या कहेंगे, आसान, कठिन या मॉडरेट? एकदम मॉडरेट था, मतलब जैसा हम लोग बीएचयू का मतलब पिछला साल का पेपर क्वेश्चन हल करके आए थे, मतलब नॉर्मल था। अच्छा, और पार्ट ए का क्या हाल था? पार्ट ए भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? 92। ओके, बहुत बढ़िया, 92। अच्छा, ये और चीज़ें बताओ कि सेक्शन वाइज जैसे देखा जाए कि जैसे आपका यूनिट है आपके सब्जेक्ट में, तो यूनिट वाइज किस यूनिट से ज़्यादा था, किसी यूनिट से कम था, या फिर सारे से बराबर था? सभी यूनिट से बराबर थे, सभी यूनिट से बराबर। बुक के नाम भी आए थे, ईयर भी आए थे, और लाइन वगैरह भी कुछ पूछे थे, किसने किसको बोला है, ये सब भी पूछे थे, सब कुछ था। मतलब लिटरेरी मूवमेंट से और लिटरेरी थ्योरी से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि नया चीज़ ऐड हुआ था थ्योरी वगैरह, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी सबको, रोलाबा, डेरिडा ऐसे राइटर्स को लेके, तो सब बेसिक चीज़ें पढ़ी गई थी, उसमें आपको कैसा लगा कि थ्योरी में काफ़ी डेप्थ में गए या बेसिक से आपका काम चल गया प्रिपरेशन से? लिटरेरी मूवमेंट से तो क्वेश्चन नहीं आए थे, सारे कागरे को तो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ थ्योरी से एक दो क्वेश्चन थे बस, वो भी ज़्यादा डीप में नहीं गया था, बेसिक से, बस बेसिक से। हाँ, और जो पढ़े होंगे तो अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा साल भर तो उसका अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बच्चों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि पेपर का रिव्यू कैसा है, तो जनरली बच्चों का ये कहना है कि पेपर बहुत ना आसान ना बहुत कठिन, लेकिन मॉडरेट था, और मॉडरेट में भी पेपर आसान था, पार्ट ए भी आसान है, पार्ट बी भी आसान है। आपका पेपर अच्छा था? पेपर इंग्लिश अच्छे था, मतलब इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम तो इजी था, दो तीन तो आउट ऑफ सिलेबस रहती हैं, तो हाँ। पार्ट ए के बारे में कैसे कहेंगे, पार्ट ए कैसा? पार्ट ए अनप्रेडिक्टेबल था, मतलब ऐसे करंट अफेयर्स थोड़ा ऐसे साउथ अफ्रीका के कौन ही प्रेसिडेंट है कैसे ही पता होगा, बाकी सब तो अच्छा। कितने सवाल अटेम्प्ट किया था आपने? 76। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।